गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं शिवराज सिंह झाला श्रीराम कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे भारतीय संविधान के बारे में, और भारतीय संविधान के संदर्भ में अपन ने पिछली क्लास में चर्चा की थी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। उस क्लास को थोड़ा रिवाइज करके फिर आगे चलते हैं अपन। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में अपन ने कल चर्चा की थी। इस अधिनियम के तहत भारत का विभाजन हुआ था और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8 के तहत भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्रों के रूप में सामने आए थे, और विभाजन के साथ ही भारतीय संविधान सभा का भी विभाजन कर दिया गया था। और भारतीय संविधान सभा का विभाजन हुआ, विभाजन के बाद संविधान सभा में 299 सदस्य रहे थे। इसके साथ ही अपन ने कल चर्चा की थी 26 जनवरी 1949। 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ, निर्मित हो चुका था। 26 नवंबर 1949 को ही भारतीय संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित हुआ था। उसके बाद अगर देखा जाए तो संविधान का 3 बार वाचन किया गया था, जो अंतिम वाचन था वो 26 नवंबर 1949 को ही पूर्ण हुआ था। इसके बाद अगला जो अपन आज जिसके ऊपर चर्चा करेंगे वो महत्वपूर्ण दिनांक है आज की, 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 ये महत्वपूर्ण तारीख है। इस तारीख के संदर्भ में आज अपन चर्चा करेंगे। 24 जनवरी 1950 की अगर बात करें तो 24 जनवरी 1950 इस दिन भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक का आयोजन किया गया। यानी कि संविधान सभा जो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी, 9 दिसंबर 1946 से 24 जनवरी 1950 तक एक लंबा कार्यकाल निकला था, और अंतिम बैठक थी, आप समझ सकते हो, है ना, थोड़ा भावुक करने वाली घड़ी थी, क्योंकि एक लंबे समय से सभी सदस्य साथ रहे थे और आज का जो दिन था वो विदाई का दिन था। 24 जनवरी 1950 की अगर बात करें तो इस तारीख को कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं सामने आई है, उन महत्वपूर्ण घटनाओं के संदर्भ में अपन चर्चा करें तो 24 जनवरी का दिन, इस दिन जो है हमारा जो राष्ट्रगान है, राष्ट्र गान और राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को संवैधानिक मान्यता प्रदान कर दी गई। क्या कर दी गई? संवैधानिक मान्यता, संवैधानिक मान्यता प्रदान कर दी गई थी। आपको याद रखना है कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया या संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई, इन्हें अंतिम रूप से जो स्वीकृति मिली थी वो 24 जनवरी 1950 को मिली थी। राष्ट्रगान आप सभी जानते ही हो, इसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर और राष्ट्रगीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी है। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को संवैधानिक दर्जा दिया गया। उसके बाद अगर आगे बात करें तो दूसरा जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आता है 24 जनवरी 1950 को, वो दूसरा घटनाक्रम यह था कि इस दिन संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान प्रति पर हस्ताक्षर किए। किस पर हस्ताक्षर किए? संविधान प्रति पर हस्ताक्षर किए। यानी कि संविधान सभा के जो सदस्य थे, उन संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान की प्रति या संविधान की कॉपी के ऊपर हस्ताक्षर किए थे। यानी कि संविधान की प्रति पर जो हस्ताक्षर हुए थे वो कब हुए थे? 24 जनवरी 1950 को। यहां से अभ्यर्थियों के मन में कई सारे प्रश्न उठते हैं कि कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, सर्वप्रथम हस्ताक्षर किसने किए, सबसे अंत में हस्ताक्षर किसने किए, रियासतों की ओर से प्रथम बार हस्ताक्षर किसने किए, संविधान की कितनी प्रतियों के ऊपर हस्ताक्षर किए गए, संविधान के ऊपर कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किए, इस प्रकार के कई सारे प्रश्न आपके मन में उठ रहे होंगे। अपन उनके ऊपर चर्चा करते हैं कि वो फैक्ट कौन कौन से हैं। अगर देखें अपन संविधान की प्रति के ऊपर हस्ताक्षर के संदर्भ में, तो संविधान की जो प्रति है
इसके ऊपर हस्ताक्षर की बात कर रहे हैं अपन, तो संविधान की प्रति के ऊपर जो प्रथम हस्ताक्षर किए थे, है ना, प्रथम हस्ताक्षर किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। प्रथम हस्ताक्षर किसने किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, आप सभी को पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो अंतरिम सरकार थी, या यूं कहें जो 1946 में अंतरिम सरकार बनी थी, उस अंतरिम सरकार में कार्यकारिणी रूप से प्रधानमंत्री थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने संविधान प्रति के ऊपर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए। अब अगर देखा जाए राजस्थान की ओर से, अगर अपन बात करें तो राजस्थान से सर्वप्रथम हस्ताक्षर किसने किए, तो बात कर रहे हैं अपन राजस्थान के संदर्भ में। तो राजस्थान से प्रथम हस्ताक्षर, राजस्थान की ओर से प्रथम हस्ताक्षर किए थे बलवंत सिंह मेहता ने। किसने किए थे? बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता ने राजस्थान की ओर से संविधान की प्रति के ऊपर हस्ताक्षर किए थे। बलवंत सिंह मेहता की अगर बात करें तो आपको पता है बलवंत सिंह मेहता उदयपुर रियासत से, कहां से? उदयपुर रियासत से मनोनीत होकर के संविधान सभा के सदस्य बने थे। और रियासतों के संदर्भ में अगर बात करें तो रियासतों की ओर से बात करें तो रियासतों की ओर से प्रथम हस्ताक्षर भी किसने किए थे? बलवंत सिंह मेहता ने किए थे। यानी कि रियासतों की ओर से भी संविधान की प्रति पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किसने किए थे? बलवंत सिंह मेहता ने किए थे। उसके बाद अगर आगे बात करें अपन तो संविधान की प्रति के ऊपर अंतिम हस्ताक्षर, संविधान की प्रति के ऊपर अंतिम हस्ताक्षर, संविधान की जो प्रति है इसके ऊपर अंतिम हस्ताक्षर किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। किसने किए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अंतिम। यहां आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि संविधान की जो प्रति है उस संविधान के ऊपर हस्ताक्षर सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे जो भारत के प्रधानमंत्री थे, और अंतिम हस्ताक्षर किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो भारत के राष्ट्रपति बने थे। सीधा सा याद रखने का तरीका यह है कि सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे प्रधानमंत्री ने और सबसे अंत में हस्ताक्षर किसने किए थे? राष्ट्रपति ने। राजस्थान की ओर से सर्वप्रथम हस्ताक्षर किसने किए? तो राजस्थान की ओर से सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे बलवंत सिंह मेहता ने। इसके बाद अगर आगे बात की जाए तो संविधान की प्रति के ऊपर जो हस्ताक्षर किए थे वो हस्ताक्षर कितने लोगों ने किए थे? तो आप सभी को पता है कि विभाजन के बाद जो संविधान सभा का गठन हुआ, किसके बाद? विभाजन के बाद अगर बात करें तो विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्य रह गए थे 299 सदस्य। कितने रह गए थे? 299 सदस्य रह गए थे। इन 299 सदस्यों में से अगर अपन देखें तो कुल 284 सदस्य, कितने? इन 284 सदस्यों ने संविधान की प्रति पर क्या किए? हस्ताक्षर किए। बात समझ में आई आपको? विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रखी? 299 रह गई थी। और इन 299 में से मूल प्रति के ऊपर हस्ताक्षर कितने लोगों ने किए? 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए। अब आप पूछोगे भाई 299 सदस्य हस्ताक्षर 284 ने ही किए तो बाकी के सदस्य कहाँ गए, कितने कम लोगों ने हस्ताक्षर क्यों किए? तो इसके पीछे कई कारण है, वो स्पष्ट करता हूं मैं। अगर अपन बात करें कि 284 सदस्यों ने ही हस्ताक्षर क्यों किए, तो उससे पहले अगर देखें अपन तो हस्ताक्षर कितने सदस्यों ने किए? कुल सदस्य कितने थे? 299। हस्ताक्षर कितने सदस्यों ने किए? 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, ठीक है ना। कम क्यों हुए? तो कम होने के पीछे जो कारण है, उस कम होने के पीछे के कारण की अगर अपन बात करें तो इन 284 सदस्यों में से एक सदस्य था जिसकी बात करें अपन हस्ताक्षर नहीं किए, उन सदस्यों की बात करें जिन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए थे। तो एक सदस्य है जिसका नाम है हसरत मेरानी,
हसरत मेरानी की अगर बात करें, हसरत मेरानी ने संविधान की प्रति पर हस्ताक्षर करने के लिए स्पष्ट रूप से मना कर दिया था कि मेरी इच्छा अनुसार संविधान का निर्माण नहीं हुआ है, मैं इस संविधान से संतुष्ट नहीं हूँ, मैं इसके ऊपर हस्ताक्षर नहीं करूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हसरत मेरानी भारत विरोधी थे, विरोधी नहीं थे, ये स्वतंत्रता संग्राम में एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन हसरत मेरानी को कहीं किसी प्रकार का असंतोष स्पष्ट या असंतोष हुआ था, इस कारण इन्होंने मना कर दिया था कि मैं संविधान की प्रति पर हस्ताक्षर नहीं करूंगा। और हसरत मेरानी के समर्थन में कुछ लोग और थे जिन्होंने इनके साथ हस्ताक्षर नहीं किए। इसके बाद अगर आगे बात करें अपन, तो कई लोगों की आपको पता है कि पद से कई लोगों ने त्याग पत्र दे दिया था। और त्याग पत्र की अगर बात करें तो त्याग पत्र में प्रारूप समिति में देखा था अपन ने बी एल मित्र, इनकी जगह फिर एन माधवन राव आए थे, तो बी एल मित्र ने त्याग पत्र दे दिया था। कई व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी 9 दिसंबर 1946 से लेकर के 26 नवंबर 1949, एक लंबा समय था। तो इस बीच में जो बुजुर्ग व्यक्ति थे उनमें कई लोगों की मृत्यु भी हुई थी, जैसे उदाहरण के तौर पर डीपी खेतान की मृत्यु हो चुकी थी। तो इस प्रकार से सदस्यों की संख्या जो 299 थी, जो अंत में 24 जनवरी तक 284 ही रह चुकी थी। इस प्रकार आपको याद रखना 284 सदस्यों ने संविधान की प्रति पर क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे। इन 284 सदस्यों में अगर देखा जाए तो 8 महिलाएं थी। कितनी थी? 8 महिलाएं, यानी कि 8 महिलाओं ने, 284 सदस्यों में 8 भी सम्मिलित है, तो कुल 8 महिलाओं ने संविधान की प्रति के ऊपर हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद अगर आगे बात करें तो एक बार मैं आपको पुनः बता दूं कि संविधान की 3 प्रतियों के ऊपर हस्ताक्षर हुए थे। कितनी प्रतियों के ऊपर? 3 प्रतियों पर हस्ताक्षर। कितनी प्रतियों पर हस्ताक्षर हुए थे? 3 प्रतियों पर। मूल रूप से बात कर रहा हूं मैं, तो मूल रूप से 3 प्रतियों के ऊपर हस्ताक्षर किए थे। अब वो जो 3 प्रतियां हैं वो कौन कौन सी 3 प्रतियां हैं? 3 प्रतियों के ऊपर हस्ताक्षर किए, अगर देखा जाए मूल प्रतियों के बारे में, एक प्रति है वो लिखी गई है इंग्लिश में। किसमें लिखी गई है? इंग्लिश में लिखी गई है। और जो प्रति इंग्लिश में लिखी गई है उसका लेखन कार्य, यानी कि इंग्लिश में जो प्रति लिखी गई है उसका लेखन, यानी कि संविधान का लेखन, संविधान का लेखन, अपन बात कर रहे हैं किसकी, संविधान के लेखन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? संविधान के लेखन की बात कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए संविधान का जनक, संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। किसको कहते हैं? भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। यहां बात कर रहे हैं अपन संविधान का लेखन या संविधान का लेखक कौन था, किसने लिखा। तो संविधान की 3 प्रतियां बनाई गई थी मूल रूप से। उन 3 प्रतियों में अगर देखा जाए कि जो प्रति इंग्लिश में लिखी गई थी, उस इंग्लिश में लिखी जाने वाली प्रति के लेखक कौन थे, इसके लेखक की अगर बात करें तो इंग्लिश में जो प्रति लिखी उसके लेखक थे प्रेम नारायण बिहारी रायजादा। प्रेम नारायण बिहारी रायजादा, इन्होंने संविधान की जो इंग्लिश में प्रति थी उसके लेखन का कार्य किया था। इंग्लिश वाली जो प्रति थी उसको लिखा था प्रेम नारायण रायजादा ने। इसके बाद अगर बात करें अपन दूसरी प्रति की, अगर बात करें तो दूसरी प्रति जो थी वो थी हिंदी। इसकी थी हिंदी की अगर बात करें कि जो हिंदी वाली जो प्रति थी उसके लेखन का कार्य किसने किया, तो हिंदी की प्रति का लेखन का काम किया था बसंत कुमार वेद। बसंत कुमार वेद ने जो हिंदी वाली प्रति थी उसके लेखन का कार्य किया। और एक और बात करें, जो तीसरी प्रति थी, यानी कि जो 3 प्रतियों की अपन बात कर रहे हैं, तीसरी प्रति की अगर बात करें तो तीसरी प्रति थी जामितीय चित्रण, यानी कि जो संविधान की प्रति थी एक तो इंग्लिश में थी, एक हिंदी में थी, और एक में किया गया था चित्रण, जामितीय चित्रण, यानी कि फूल पत्ती या सजावट के आधार पर बनाई गई थी। तो जामितीय चित्रण जो किया था वो किया था नंदलाल ने। किसने किया था? नंदलाल ने
ज्यामितीय चित्रण किया था। यानी कि मूल रूप से अगर बात की जाए तो मूल रूप से संविधान की तीन प्रतियां थी, एक हिंदी, एक इंग्लिश और एक में ज्यामितीय चित्रण था, जिनके ऊपर संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। यानी कि इन तीन प्रतियों के ऊपर, इन तीन प्रतियों के ऊपर संविधान के कितने 284 सदस्यों के हस्ताक्षर, 284 सदस्यों के हस्ताक्षर थे। अगर मैं आपको बता दूं, जो हिंदी और इंग्लिश वाली प्रति है, इस प्रति में जो चित्रण का काम किया गया है, ज्यामितीय चित्रण, वो ज्यामितीय चित्रण नंदलाल के द्वारा ही किया गया और 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। बाद में कई अलग अलग संस्करण या अलग अलग भाषाओं में संविधान का ट्रांसलेट किया गया, रूपांतरण किया गया था। आपको ध्यान रखना है कि मूल रूप से जो संविधान है वो हिंदी इंग्लिश में ही लिखा हुआ है और उसका फिर ज्यामितीय चित्रण किया गया। उर्दू में मूल प्रति नहीं है, आपको याद रखना है, जो उर्दू जो है इस उर्दू में मूल प्रति नहीं है। बाद में उर्दू में भी लिखा गया, ऐसी बात नहीं है, लिखा गया है संविधान, लेकिन मूल रूप से जो प्रति वो उर्दू में नहीं है। इसके बाद अगर आगे बात करें तो एक बार मैं पुनः आपको क्लियर करवा देता हूँ, एक आंकड़ा फंसा हुआ है आपके मन में होगा कि भाई एक बार तो बताया था 389, फिर बताया था 389 के बाद अगर आगे बात करें तो 324, फिर इसके बाद बताया था आपने 299, फिर 207 और फिर एक आंकड़ा आया 284। तो कई लोगों के मन में डाउट होगा कि कौन सा याद रखें, कि क्या हो क्या रहा है, तो मैं क्लियर कर देता हूँ। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 निर्धारित की गई थी किसके द्वारा, कैबिनेट मिशन। जो कैबिनेट मिशन योजना आई थी, उस कैबिनेट मिशन योजना में कहा गया कि संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी होगी, 389 होगी। कैबिनेट मिशन योजना में इनका निर्धारण किया था। 324 की बात करें तो जो माउंट बेटन योजना, माउंट बेटन योजना जो थी, इस माउंट बेटन योजना में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 324 निर्धारित की थी। फिर आता है 299, तो विभाजन के बाद, है ना, भारत का जो विभाजन हुआ, इस विभाजन के बाद, विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 रह गई थी। फिर 207 की अगर बात करें तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी, प्रथम बैठक, इस प्रथम बैठक में 207 सदस्य उपस्थित हुए थे। और 284 की अगर बात करें तो 284 सदस्यों ने संविधान की तीन प्रतियों पर हस्ताक्षर किए, तीन प्रतियों पर हस्ताक्षर किए। अब मुझे लगता है कि ये आंकड़ा आपके क्लियर हो गया होगा, अब किसी प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए। तो 284 सदस्यों ने संविधान की तीन प्रतियों के ऊपर हस्ताक्षर किए। तीनों ही प्रतियां ओरिजिनल या मुख्य रूप से हमारी संसद में इनको सुरक्षित रखा गया है। अगर आप कभी दिल्ली जाओ तो वहां संसद भवन में आप इन्हें देख सकते हो, लेकिन दूर से, हाई सिक्योरिटी है वहां पर, इनको छूने की अनुमति नहीं है, आप दूर से इन्हें देख सकते हो। संसद में ये सुरक्षित रखी हुई है, अक्रिय गैसों के अंदर इनको रखा हुआ है। इसके बाद अगर आगे बात करें अपन, तो संविधान सभा के सदस्यों की बात हुई है, जिसमें 24 जनवरी 1950 की अपन बात कर रहे हैं, 24 जनवरी 1950 की बात कर रहे हैं। और 24 जनवरी 1950 के दो कार्य आपको बताए हैं। पहला कार्य हुआ था राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को संवैधानिक मान्यता। दूसरा कार्य हुआ था संविधान की तीन प्रतियों के ऊपर सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर। अब अगला जो तीसरा कार्य है महत्वपूर्ण, उस तीसरे कार्य की अपन बात कर रहे हैं। अपन देख रहे हैं 24 जनवरी 1950। इस 24 जनवरी 1950 के दिन ही भारत के प्रथम राष्ट्रपति, या यूं कहें भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे, आप सभी जानते हो, भारत के राष्ट्रपति बनाए गए। और 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रपति बनाए गए थे किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति बनाया गया था।
अब अगर देखा जाए यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, और यहाँ से बहुत ही पेचीदा प्रश्न बनता है। किताबों में कई प्रकार की त्रुटियां भी दिखती हैं सामने। यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछ ले सीधा कि भारत के राष्ट्रपति, या इस प्रकार का आपके सामने अगर प्रश्न रख दिया जाए कि 24 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति, भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए थे, इस प्रकार से आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए थे, और यहां विकल्प के तौर पर आपको पहला विकल्प दे दिया जाए निर्वाचित, दूसरा विकल्प दे दिया जाए मनोनीत, तीसरा विकल्प आपको दे दिया जाए चयनित, और चौथा विकल्प दे दिया जाए नियुक्त। इस प्रकार से अगर आपको विकल्प दे दिया जाए कि 24 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए थे, निर्वाचित, मनोनीत, चयनित या नियुक्त, बहुत ही पेचीदा मामला है यहाँ पर, है ना। आपको याद रखना है कि नियुक्त तो हुए ही नहीं थे। बात समझ में आई है ना। नियुक्ति कौन करता है? सीनियर जो उच्च अधिकारी है वो निम्न अधिकारी की नियुक्ति करता है। और आप सभी को बताएं कि राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक है, इनके ऊपर और कोई अधिकारी है नहीं, तो नियुक्त तो हो नहीं सकते। और चयनित, चयन तो आप लोगों का होगा जो कंपटीशन या अभ्यर्थी है परीक्षा देकर के फिर चयनित होंगे, तो चयन भी हुआ नहीं था। अब है निर्वाचित और मनोनीत, दो मुद्दे सामने हैं। आपको यहां मैं सीधा स्पष्ट कर दूं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित हुए थे। क्या हुए थे? निर्वाचित हुए थे। अब आप कहोगे निर्वाचित कैसे हो गए? भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, 24 जनवरी को चुन लिए गए थे ये, 24 जनवरी को राष्ट्रपति बनाए गए, तो निर्वाचन कैसे हो गया? संविधान तो लागू हुआ ही नहीं, संसद अस्तित्व में आई ही नहीं। तो मैं यहाँ आपको क्लियर कर देता हूँ इस प्रश्न के बारे में। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के सुरक्षित रखिए इसे, इसके ऊपर अपन चर्चा करते हैं कि राष्ट्रपति निर्वाचित कैसे हुए थे। क्लियर हो गई बात? अगर अपन बात करें कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित कैसे हुए थे, तो उसके संदर्भ में अगर देखें, यानी कि आपका प्रश्न है कि राष्ट्रपति निर्वाचित कैसे हुए, है ना, निर्वाचित कैसे हुए, भाई संविधान तो 26 जनवरी को लागू हुआ, उससे पहले ही आप निर्वाचित कैसे करवा रहे हो? तो यहां मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इस भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की एक धारा है जिसके बारे में अपन ने कल चर्चा की थी। वो धारा है धारा 8। कौन सी धारा? धारा 8। और इस धारा 8 के द्वारा ही जो संविधान सभा थी, क्या थी? संविधान सभा। इस संविधान सभा को दिए थे विधायी कार्य। कौन से कार्य? विधायी कार्य, विधायी कार्य। जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8 है, इस धारा 8 के द्वारा संविधान सभा को विधायी कार्य दे दिए, यानी कानून निर्माण संबंधी कार्य दिए, और संविधान सभा ने विधायी कार्य किए थे 18 जुलाई 1947 से लगा करके 24 जनवरी 1950 तक। 18 जुलाई 1947 से 24 जनवरी 1950 तक भारतीय संविधान सभा ने कौन सा कार्य किया था? विधायी कार्य किया था। और विधायी कार्य की अगर बात की जाए तो आप सभी को पता है कि संसद के रूप में इसने कार्य किया था। किसके रूप में कार्य किया था? संसद के रूप में कार्य किया था। और संसद लोकसभा और राज्य सभा, संसद लोकसभा और राज्यसभा के रूप में अस्तित्व में आई थी। आप सभी को पता है कि अगर राष्ट्रपति का निर्वाचन करना है, किसका निर्वाचन करना है? राष्ट्रपति का
निर्वाचन, निर्वाचन तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है, इस राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की अगर बात की जाए, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, यानी कि निर्वाचन मंडल में ये तीन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसमें से दो लोकसभा और राज्यसभा, दो तो थे ही थे, एक विधानसभा ही नहीं थी। तो संसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा ही राष्ट्रपति का निर्वाचन किया गया था। उस समय जो संसद थी, अंतरिम जो संसद थी, उसके द्वारा निर्वाचन किया गया। अब आप कहोगे निर्वाचन कैसे हो गया, संविधान तो लागू हुआ ही नहीं, तो शपथ कैसे होगी, या फिर निर्वाचन जो मंडल है इसका गठन करने के लिए निर्वाचन आयोग कहाँ होगा? तो मैं आपको बता दूं कि अपन ने कल वाली क्लास में चर्चा की थी कि 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 जो था, 26 नवंबर, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 की अगर अपन बात करें, तो 26 नवंबर 1949 को मैंने आपको बताया था 16 आर्टिकल लागू हुए थे। उन 16 आर्टिकल में से महत्वपूर्ण आर्टिकल की अगर बात करें, तो एक था आपका अनुच्छेद 60, एक था आपका अनुच्छेद 324, फिर एक आर्टिकल था आपका आर्टिकल 379, एक था आपका आर्टिकल 380 और एक आर्टिकल था आपका 388। ये महत्वपूर्ण आर्टिकल। अगर बात करें आर्टिकल 60 की, तो आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 379 और 380 में जो है आपात स्थिति में राष्ट्रपति का निर्वाचन, आपात स्थिति में राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की, और आर्टिकल 388 में आपात स्थिति में ही राष्ट्रपति के कार्य करण का उल्लेख किया गया है। यानी कि 26 नवंबर 1949 को ही राष्ट्रपति के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण आर्टिकल थे उनको लागू कर दिया गया था। मैं आपको बता दूं कि भीमराव अंबेडकर को ऐसे ही संविधान का जनक नहीं कहा गया था। भीमराव अंबेडकर एक महान तत्कालीन समय के, अंबेडकर महान कानून के ज्ञाता थे, कानून या विधि वेत्ता थे भीमराव अंबेडकर, और ये भीमराव अंबेडकर की दूरदर्शिता का ही परिणाम है। इन्होंने इस प्रकार का अंदाजा लगा लिया था कि अगर राष्ट्रपति या हमें गणतंत्रात्मक व्यवस्था की स्थापना करनी है, तो संविधान सभा भंग होने से पहले ही राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाना चाहिए। तो भीमराव अंबेडकर साहब ने 26 नवंबर 1949 को ही ये महत्वपूर्ण आर्टिकल जो राष्ट्रपति के संदर्भ में थे उनको लागू करवा दिया। इनके साथ ही इन्होंने नागरिकता आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, नागरिकता के संदर्भ में जो अनुच्छेद थे वो लागू करवा दिए थे। फिर इसके बाद अगर देखा जाए तो आर्टिकल 391, 392, 393, 394 ये भी लागू हुए थे। कुल मिलाकर के 16 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू हो चुके थे। अब मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो चुका होगा कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो निर्वाचित हुआ था। क्या हुआ था? निर्वाचित, और आज भी निर्वाचित ही हो रहे हैं। और अगर इस बात की और ज्यादा अगर अपन पुष्टि करें, तो भीमराव अंबेडकर ने 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि मैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति को निर्वाचित होने की बधाई देता हूं। यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है, भीमराव अंबेडकर ने उस समय ऑल इंडिया रेडियो पर कहा था, शाम के समय जब राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ, उस समय उन्होंने कहा था कि मैं देशवासियों को बधाई देता हूं कि भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ है, न कि मनोनीत। या यूं कहें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राजेंद्र प्रसाद को बधाई दी और बधाई देते हुए कहा कि प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति के निर्वाचन की, प्रथम राष्ट्रपति के निर्वाचन की। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रथम राष्ट्रपति के निर्वाचन की बधाई दी थी, न कि मनोनीत होने की बधाई दी थी। तो आप इस लाइन को भी याद रख सकते हो।
अब क्लियर हो जाना चाहिए। किताबों में लिखा हुआ है कि मनोनीत और निर्वाचित दोनों में, तो वो जहां तक मुझे पता है सही नहीं है। तो राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे ना कि मनोनीत। उसके बाद अगर आगे बात करें अपन, तो जो चौथा महत्वपूर्ण कार्य है, बात कर रहे हैं अपन कब की, 24 जनवरी 1950 की। तो जो चौथा महत्वपूर्ण कार्य है, वो चौथा महत्वपूर्ण कार्य सामने आता है कि संविधान सभा को भंग किया, भंग किया जाए, भंग किया जाए। यह चौथा कार्य हुआ था 24 जनवरी 1950। अब आप समझ सकते हो कि 9 दिसंबर 1946 से लेकर के 24 जनवरी 1950 तक एक लंबे समय अंतराल तक सभी लोगों ने साथ मिलकर के काम किया था, और अचानक एक तारीख का 30 दिन कहा गया कि संविधान सभा को भंग कर दिया जाए। तो कई सदस्य भावुक हो गए थे, जिसमें से कई सदस्यों को रोना भी आ गया था, गले मिलकर के एक दूसरे से रो रहे थे कि लंबे समय तक कार्य किया है, अब बिछुड़ने का समय आ चुका है, विदाई हो रही है। तो संविधान सभा काफी भावुक हो चुकी थी उस समय। सदस्य उसमें कई वृद्ध सदस्य भी थे, कई युवा सदस्य भी थे, तो कई सदस्य भावुक हुए थे। जब भावुक हुए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्पष्ट रूप से सभी सदस्यों से कहा कि किसी को भी भावुक होने की आवश्यकता नहीं है। स्पष्ट शब्दों में कहा था कि भावुक होने की आवश्यकता नहीं है, और संविधान सभा के सदस्यों के समक्ष एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। क्या प्रस्तुत किया? एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, और यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और पांचवें व्यक्ति थे मौलाना आजाद। ये पांच व्यक्ति, इन पांच व्यक्तियों की अगर बात करें तो एक तो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एक सरदार वल्लभ भाई पटेल, एक पंडित जवाहरलाल नेहरू, एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मौलाना आजाद। मौलाना आजाद आपको पता होना चाहिए अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री भी थे। तो इन पांच व्यक्तियों ने संविधान सभा के समक्ष प्रस्ताव रखा कि संविधान सभा को तो भंग किया जाए, लेकिन सदस्यों को बिछुड़ने न दिया जाए, सदस्यों को यही रखा रखा जाए, यही रखें सदस्यों को। इस प्रस्ताव को इस प्रकार से मंजूरी दी गई कि जो संविधान सभा है, इस संविधान सभा को अंतरिम सरकार के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए। किसके रूप में परिवर्तित कर दिया जाए? अंतरिम संसद के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए। यानी कि 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा को भंग किया, और संविधान सभा को भंग करके क्या बना दिया? अंतरिम संसद बना दी गई। अब इस अंतरिम संसद की अगर बात की जाए, कि जो अंतरिम संसद है, आप सभी को पता है संसद की अगर अपन बात करें तो संसद एक तो आपके सामने निकल के आता है लोकसभा, और दूसरा आता है राज्यसभा। तो संविधान सभा को अंतरिम संसद में परिवर्तित किया, लोकसभा और राज्यसभा। अब यहां पर मुद्दा आता है कि सदस्यों का बंटवारा किस प्रकार से किया जाए। किसका? सदस्यों का बंटवारा, सदस्यों का बंटवारा किस प्रकार से किया जाए कि भाई जो 299 सदस्य बचे हुए थे, या 284 सदस्य जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे, कुछ ने नहीं किए, जो संविधान सभा के जो सदस्य थे उसमें से किन सदस्यों को लोकसभा में भेजा जाए और किन को राज्यसभा में भेजा जाए। तो सदस्यों का जो बंटवारा हुआ था वो हुआ था वरिष्ठता के आधार पर। किसके आधार पर? वरिष्ठता के आधार पर, वरिष्ठता के आधार पर यहां सदस्यों का बंटवारा कर दिया। यानी कि संविधान सभा के जो वरिष्ठ सदस्य थे, संविधान सभा के जो वरिष्ठ सदस्य थे, इन वरिष्ठ सदस्यों को तो भेज दिया राज्यसभा में, और जो कम वरिष्ठ थे या युवा सदस्य थे उनको कहाँ भेज दिया? लोकसभा में भेज दिया। यानी कि जो वृद्ध व्यक्ति थे, वृद्ध सदस्य जो थे, वो कहाँ पहुंच गए? राज्यसभा में पहुंच गए। और आप सभी को पता है कि राज्यसभा को वृद्धों का सदन भी कहा जाता है। तो इस प्रकार वरिष्ठता के आधार पर सदस्यों का बंटवारा कर दिया, यानी कि संविधान सभा को किसमें परिवर्तित कर दिया था? अंतरिम संसद में परिवर्तित कर दिया था। तो दोस्तों, ये थी 24 जनवरी 1950 की घटना। मैं एक बार पुनः रिपीट कर देता हूं कि 24 जनवरी 1950 की जो घटना है
वो किस प्रकार से या कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य हुए थे। बात कर रहे हैं अपन 24 जनवरी 1950 की। 24 जनवरी 1950 को महत्वपूर्ण रूप से चार कार्य हुए थे। कितने कार्य हुए थे? चार कार्य हुए थे। पहले कार्य की अगर बात की जाए तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्र गीत को संवैधानिक मान्यता या संवैधानिक दर्जा दिया गया। दूसरे कार्य की अगर बात की जाए तो 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति पद का सृजन किया गया। भारत के पहले राष्ट्रपति के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्वाचित किया गया था, तो भारत के पहले राष्ट्रपति बने। उसके बाद अगर देखा जाए तो अगला जो कार्य था वो था संविधान पर हस्ताक्षर। संविधान की तीन प्रतियों के ऊपर 284 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किया गया। और तीसरा और अंतिम जो कार्य, चौथा और अंतिम कार्य रहा था वो रहा था संविधान सभा को अंतरिम संसद में परिवर्तित किया। अंतरिम संसद जो कि फाइनल नहीं है, अंतरिम संसद के रूप में परिवर्तित किया। यानी कि 24 जनवरी 1950 को ये महत्वपूर्ण कार्य हुए थे और 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा की क्या हुई थी? अंतिम बैठक हुई थी। इसके बाद देखा जाए तो जो इंतजार की घड़ियां थी वो समाप्त हुई और इसके अगले दो दिनों बाद यानी कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान क्या हो गया था? लागू हो चुका था। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हो गया था। अब आप में से कई अभ्यर्थियों के मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था। यानी कि 26 नवंबर 1950 को बनकर तैयार हो गया और इसे 2 महीने बाद लागू किया। यानी कि इतने लंबे समय, 2 महीने का गैप क्यों रखा? 26 नवंबर को ही लागू क्यों नहीं किया? 26 जनवरी को लागू क्यों किया? 2 महीने का समय अंतराल या इतना अंतराल क्यों रखा गया? इसके बारे में चर्चा करेंगे अपन अगली क्लास में कि आखिरकार भारतीय संविधान 26 नवंबर को लागू न होकर के 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू हुआ, इसके विषय के ऊपर चर्चा करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।